हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू, तिल्ली और मूंगफली के लड्डू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लड्डू बिना चाशनी के बनाएंगे, तो इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं, जिन्होंने पहली बार लड्डू बनाए वो भी बना सकते हैं। चाशनी बनाने में आपको टेंशन रहता है कि लड्डू कड़क हो जाएंगे या फिर लड्डू गीले हो जाएंगे, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ना ही आपके लड्डू कड़क होंगे ना ही गीले होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी तिल्ली ली है, आधी कटोरी मूंगफली ली है और आधी कटोरी से भी आधी कटोरी काजू लिए हैं और गुड़ लिया है। तो चलिए अब हम तिल्ली को सेक लेते हैं। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है और ये कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे सेकने में। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है आपको, बिल्कुल हल्का हल्का ही सेकना है, सिर्फ कलर चेंज होने तक ही सेकना है, वरना तिल्ली कड़वी हो जाएगी अगर ज़्यादा सेकेंगे तो। तो इसी तरह से आप भी सेक लीजिएगा तिल्ली। तो ये देखिए, यहाँ हमारी तिल्ली सेक कर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में वापस हम मूंगफली डाल देंगे और इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकना है और इसे भी धीरे धीरे सेकें ताकि इसके छिलके आराम से निकल जाए। फ्रेंच मूंगफली डालने से हमारे लड्डू जो है वो हेल्दी और टेस्टी बन जाते हैं। ठंड का टाइम है तो गुड़ और मूंगफली और तिल्ली और साथ में काजू हो जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए इस तरह से हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो आगे देखते जाइएगा कि हम कैसे बनाते हैं लड्डू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ हमारी मूंगफली भी सेक कर रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद काजू डालते हैं ताकि काजू ज़्यादा ना सिके। तो इसे भी हम यहीं ठंडा होने देते हैं। यहाँ देखिए, तिल्ली हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ी सी तिल्ली निकाल लेंगे। ये क्यों निकाली है इसका हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो ये देखिए, अब एक मिक्सिंग जार में हम इसे पीस लेंगे। तो हमें इसे पीसना है हल्का दरदरा, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पीसना है इसे। ये देखिए, एकदम ऐसे थोड़े थोड़े दाने दाने रहना चाहिए ताकि अगर इसे कोई बुजुर्ग इंसान भी खाए तो वो खा सकते हैं। अब चलिए हम दानों को भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये भी ठंडे हो चुके हैं और इसमें से काजू काजू अलग निकाल लेंगे क्योंकि हमें दानों के छिलके निकालना है मूंगफली के। तो काजू हम अलग निकाल लेंगे और इसका क्या करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, वीडियो पर बने रहे। यहाँ देखिए, मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं तो मैं इनके छिलके निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे सही तरीका यही है छिलके निकालने का। कई लोग टावल में रख के निकालते हैं, फिर उसे वो पूरी निकालने से पहले से छिलके निकालते हैं, दाने निकालते हैं, इस तरह के पता नहीं क्या क्या तो भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे सही तरीका यही है फ्रेंड्स, जो हम गांव में शुरू से करते आए हैं, इसी तरह से आप मूंगफली के छिलके निकालें। तो इसमें आपका टाइम भी बचेगा और एकदम आपको कोई झंझट भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से निकालें आप मूंगफली के छिलके। इसमें थोड़े बहुत छिलके रहेंगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मूँगफली के दाने से ज़्यादा तो छिलके फ़ायदे करते हैं। तो अगर छिलके रह भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इन्हें भी मिक्सी में डाल देते हैं और साथ में ये काजू भी डाल देंगे। अब इन्हें भी हम दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका भी। जिस तरह से तिल्ली पीसी है उसी तरह से इसको भी पीसना है दरदरा सा। चलिए इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, तिल्ली और मूँगफली दोनों पीस चुकी हैं। तो फिर से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ कढ़ाई रख दी है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इसमें गुड़ डालूंगी और चाशनी बनाऊंगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। मैं इसमें गुड़ डाल के चाशनी बनाने वाली नहीं हूँ। आप देखते जाइए मैं क्या डाल रही हूँ इसमें। तो यहाँ मैंने वो पीसी हुई तिल्ली और मूँगफली और काजू डाल दिए हैं। इन्हें हमें रोस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही रोस्ट हुए हैं। इन्हें हमें गर्म करना है, थोड़ा ज़्यादा कड़क गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है इन्हें हमें, ताकि इसमें जब हम गुड़ डालें तो वो पिघल सके इसमें, ताकि हमें गुड़ की चाशनी ना बनानी पड़े। तो ये देखिए, यहाँ अच्छे से गर्म हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तब इसमें हम बची हुई तिल्ली डाल देंगे, जो हमने अलग निकाल कर रखी थी, साबुत तिल्ली, वो भी सिकी हुई है। और इसमें डाल देंगे एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा गुड़,
और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना गुड़ लेना है, कितनी तिल्ली ली है आपने और कितनी मूंगफली ली है, तो उस हिसाब से आप गुड़ डालें इसमें। अगर आपका गुड़ ज़्यादा ड्राई हो तो उसे आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा गुड़ जो है वो अच्छा नरम था तो मुझे यहाँ पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हल्के से ही छींटे लगाने हैं अगर आपका गुड़ ज़्यादा ड्राई हो तो इस तरह से मिक्सर बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है, बस सिर्फ गुड़ ही डाला है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इलायची पाउडर है नहीं तो मैंने इसके स्किप कर दिया है। अगर आप चाहें तो काजू भी स्किप कर सकते हैं, मूंगफली भी स्किप कर सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए मिश्रण हमारा बनकर रेडी हो गया है, तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो आपको हाथों को घी लगाना है, अगर आप घी लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे पानी लगा लगा कर भी इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और फ्रेंड्स, ये लड्डू 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं, और मकर संक्रांति पर हमें बनाना ही पड़ता है सबको देने के लिए, सबको बांटने के लिए। तो आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताया करें कि आप हमारे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फैमिलीज जो है वो कहाँ कहाँ की है। तो चलिए, इस तरह से हमने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं, इसी तरह से आपको भी सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेने हैं। और एक बार हम फिर से आपको याद दिला दें कि आपको हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए, ये देखिए मैंने लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। वाओ, बहुत ही एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू बने हैं और बहुत ही जल्दी बन गए हैं। 15 मिनट में तो मेरे लड्डू बनकर रेडी हो गए थे। तो ये देखिए, मैं यहाँ लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि मेरे लड्डू बनाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आया या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई तरीका हो तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसे फॉलो करूँ। और ये देखिए, मैंने कुछ छोटे छोटे लड्डू भी बनाए हैं जो किसी को देने के लिए, हमारे यहाँ कई लोग मांगने आते हैं, भिखारी वगैरह मांगने आते हैं, फिर वो झाड़ू वाली दीदी आती हैं, कचरे वाले भैया आते हैं, सबको देना पड़ता है। तो चलिए, मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम हाथ लगाते ही ये टूट रहा है। ये देखिए, एकदम इसे बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला लड्डू बना है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं आपके घर पर लड्डू। अगर आपको चाशनी वाले लड्डू बनाना झंझट का काम लगता है, मुझे भी झंझट का काम लगता है चाशनी वाले लड्डू बनाना, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ अपने घर पर। चाशनी वाले लड्डू बनाने में बहुत डर लगता है कि पता नहीं कड़क हो जाए या फिर गीले हो जाए, लेकिन इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो ना ही आपके लड्डू कड़क होंगे ना ही गीले होंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।